अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दुनिया भले ही इंडिया के गिरते हुए आलमी मैच को देख रही हो, लेकिन इंडिया की रूलिंग पार्टी और उसके मिनिस्टर्स की नज़र में इंडिया अब भी अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा सुपर पावर ही है। खुशफहमी का शिकार इन इंडियन मिनिस्टर्स में से एक इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जनाब सुब्रमण्यम जयशंकर साहब भी हैं। ये इंडिया की फॉरेन ऑफिस में प्रो अमेरिका ऑफिशियल के तौर पर मशहूर थे और यही वजह थी कि मोदी जी ने इनको पहले फॉरेन सेक्रेटरी और फिर फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया था। अच्छा, अब इन्होंने एक किताब लिखी हुई है हालिया दिनों में जिसका टाइटल है द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड। इस किताब में उन्होंने ऑलमोस्ट वही बातें की हैं जो कि आरएसएस और बीजेपी का रवायती नैरेटिव रहा है। हालांकि एस जयशंकर साहब ब्यूरोक्रेट रहे हैं और इनका डायरेक्टली चुनाव वाली सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रहा। इस बुक में वो ये फरमाते हैं कि 1947 वाली जो डिवीजन थी इंडिया की, इससे सबसे ज़्यादा फायदा चीन को ही हुआ है। हालांकि तब चीन कोई बड़ी पावर नहीं था दुनिया में, लेकिन जैसा कि जयशंकर साहब ने मौजूदा जो क्राइसिस हैं इनको बीजेपी के खाते से निकाल कर कांग्रेस के खाते में ही डालना था, लिहाजा उन्होंने इस बुक में ये साबित करने की भरपूर कोशिश की है कि सारे मसले का जड़ जो है वो 1947 ही है, ताकि ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है मोदी साहब के ऊपर इसका रुख नेहरू और गांधी की तरफ हो जाए। इस बुक में उन्होंने उन खराबियों का जिक्र नहीं किया जो कि इंडिया के चीन के खिलाफ अमरीकी इतिहाद में शामिल होने से पैदा हुई हैं। ये मोदी जी और जयशंकर साहब की ही फिलॉसफी है कि क्वाड नाम का ग्रुप बनाकर हम चीन को काबू कर लेंगे। इस ग्रुप में इंडिया और अमेरिका के अलावा सिर्फ जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं और सवाए इंडिया के बाकी तीनों मुल्कों का कोई बॉर्डर चीन के साथ नहीं लगता। अब इस प्लेटफॉर्म को मज़ीद फैलाने के लिए बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, इनको छोटे छोटे रोल देने का जायजा लिया जा रहा है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में और क्वाड में। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से इस वक्त भरपूर कोशिशें की जा रही हैं कि ये मुल्क भी इनके साथ आ जाए, लेकिन बांग्लादेश और श्रीलंका के जो सीरियस हलके हैं वो इस बात पर ज़रूर गौर कर रहे हैं कि क्वाड नामी इस चीज़ में या इंडो पैसिफिक में उनके शामिल होने से या उनका कोई रोल प्ले करने से इनको क्या फ़ायदा होगा। क्वाड का जो नया टैग दिया गया है क्वाड को, वो एशियन नेटो भी है, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि एशिया में नेटो की ज़रूरत है किसको आखिर। मालाबार नामी ये जो एक्सरसाइजेज की जाती हैं और जिनमें समंदर के रास्ते बंद करने की एक्सरसाइजेज भी होती हैं, तो अब इन सी रूट्स को बंद करने से किसको फ़ायदा होने जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ मलाका बंद करने से तो चीन को लॉस होगा, ऑस्ट्रेलिया, जापान या बांग्लादेश को तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है अगर स्ट्रेट ऑफ मलाका खुला हुआ हो या बंद हो। फिर आखिर इन मुल्कों को क्वाड में आने से क्या मिलेगा? मकसद सिर्फ यही है कि यूनाइटेड स्टेट ने चीन को काबू करना है और उसके लिए इन सारे मुल्कों की इसको हेल्प चाहिए। अब यहाँ बांग्लादेश के हवाले से ये सवाल है कि अचानक बांग्लादेश को इंडो पैसिफिक में रोल देने के पीछे अमेरिका का क्या मकसद है? तो इस सवाल का जवाब अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ये दे रहा है कि बांग्लादेश की जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है और उसकी जो 16.5 करोड़ की आबादी है और उसके पास एक आला मैन्युफैक्चरिंग सलाहियतें मौजूद हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग का जो शोभा है उसमें वो बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले कर सकता है, इसी वजह से हम बांग्लादेश को इंडो पैसिफिक में अहम समझते हैं। लेकिन इंडो पैसिफिक कमांड के तहत ही बनने वाला क्वाड ग्रुप तो बाकायदा नेवल एक्सरसाइजेस भी कर रहा है और उसकी तो फौजी अहमियत भी है, तो ऐसे में बांग्लादेश की मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेबिलिटी है उसका क्वाड की नेवल एक्सरसाइजेस से क्या ताल्लुक बनता है? इसका मतलब साफ ही है कि बांग्लादेश को इंडिया की ही तरह चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने की प्लानिंग आलमी ताकतें कर रही हैं। हालांकि अमेरिका इस स्टेज पे इन बातों को डिनाई कर रहा है कि हम इनको बांग्लादेश को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अभी तक बांग्लादेश को अमेरिका सिर्फ यही कह रहा है कि हम बिजनेस के हवाले से आपको देख रहे हैं। चीन के खिलाफ क्वाड के इन मुल्कों का बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीप जैसे मुल्कों से पैदा किए जाने वाला ये जो नया ताल्लुक है, ये दरअसल क्वाड की शिकस्त का ही सबूत है। कई सदियां कबल चीन के मशहूर जनरल सुन ज़ू ने एक बात कही थी कि स्ट्रेटजी विदाउट टैक्टिक इज स्लोएस्ट रूट टू द विक्ट्री।
बट टैक्टिक विदाउट स्ट्रेटजी इज द नॉइस बिफोर डिफीट। यानी अमेरिका की जानिब से ऐसे वक्त में बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव से राबता करना जब अमरीकी इलेक्शंस में कुछ ही दिन रह गए हैं, इससे ये जाहिर हो रहा है कि अमरीका के पास इंडो पैसिफिक में सिर्फ इंडिया ही मुस्तकिल मेंबर रहा है और अमेरिका ने अपने सारे के सारे अंडे जो हैं वो इंडिया की टोकरी में डाल दिए हुए हैं। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि मौजूदा अमरीकी इकदाम अमरीका की टैक्टिक तो हो सकती है, लेकिन इसमें कोई संजीदा स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही इस वक्त। इंडिया खुद तो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट जैसे माहदे साइन करके अमेरिका का जूनियर पार्टनर बनने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश इंडिया का जूनियर पार्टनर नहीं बन सकता, खुसूसन ऐसे वक्त में जब उसके पास चीन जैसा अल्टरनेट मौजूद हो जिसने 2016 से लेकर कई बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में कर रखी है। लिहाजा अगर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में बांग्लादेश को यही रोल अमेरिका ने देना है तो ये बात तो तय है कि क्वाड और इंडो पैसिफिक का मुस्तकबिल बहुत ही डार्क नज़र आ रहा है। I'm here today to talk about our relationship with China and several new measures to protect American security and prosperity. China's pattern of misconduct is well known. For decades, they've ripped off the United States like no one has ever done before. Hundreds of billions of dollars a year were lost dealing with China, especially over the years during the prior administration. China raided our factories, offshored our jobs, gutted our industries, stole our intellectual property, and violated their commitments under the World Trade Organization. To make matters worse, they are considered a developing nation, getting all sorts of benefits that others, including the United States, are not entitled to. But I have never solely blamed China for this. They were able to get away with a theft like no one was able to get away with before because of past politicians and, frankly, past presidents. But unlike those who came before, my administration negotiated and fought for what was right. It's called fair and reciprocal treatment. China has also unlawfully claimed territory in the Pacific Ocean, threatening freedom of navigation and international trade. And they broke their word to the world on ensuring the autonomy of Hong Kong. The United States wants an open and constructive relationship with China, but achieving that relationship requires us to vigorously defend our national interests. The Chinese government has continually violated its promises to us and so many other nations. These plain facts cannot be overlooked or swept aside.